ये जी हमारा आज का प्रैक्टिकल है और इसमें हम फिल्ट्रेशन देखेंगे। और ये हमारे सामने सबसे पहले जो एक कॉनिकल फनल के साथ एक फ्लास्क मौजूद है, ये फनल है जो हम सबसे पहले उठा के इसके अंदर रख देंगे और उसके बाद हम इसको फिल्ट्रेशन के लिए रेडी करेंगे। और सबसे पहले इस बर्तन को धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए अच्छे से, फिर फिल्टर पेपर लेके आएंगे। इसको देखें, सबसे पहले इसको फिल्टर को क्या किया हमने, इसको ट्वाइस किया, मतलब इसके दो साइडों को आपस में जो है मिलाया। ये देखिए, पहले ट्वाइस करना है, फिर दोनों को मजीद दोबारा उसी प्रोसेस को दोहराना है कि इसकी जो साइडें आपस में मैच ना करें। फिर एक को आपने ओपन करना है कि एक एक साइड पे हो और तीन एक साइड पे हो। ये आपने, ये देखिए, तीन एक साइड पे और एक एक साइड पे, और इसको इसके दरमियान रख देना है। और ऐसे रखना है आपने कि आपका जो ये फनल का ऊपर से सरकमफ्रेंस है वो कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा होना चाहिए, ताकि आपके इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट फिल्टर हो रहे हैं वो कम से कम वो आपके साथ मिक्स ना हो जाए इस फनल में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने फिल्टर पेपर को अंदर जो आ चीज़ फिल्टर करनी है उसको डालना है। तो जो प्रेसिपिटेट है वो 1/2 या 1/4 होनी चाहिए, यानी इस पेपर में जब डालें, जैसे पत्ती को चाय के अंदर भूनते हैं, तो वो जो है इस पेपर से बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी इसके अंदर तक रहनी चाहिए, तो और जो इसके अंदर फिल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये पेस्टिसाइड, इसको हम फिल्टर कर रहे हैं। ये 120 मिनट तक इसको जो है ना हमने स्टिर किया था, अब ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और इसको जो है अच्छे से फिल्टर कर रहा हूँ। अब ये देखें, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है, तो ये आस्ता आस्ता इसके फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। और फिल्टर कैसे होती है ये देखें, बड़ा स्लो प्रोसेस है, आस्ता आस्ता ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं और ये फिल्टर हो रहे हैं। फिल्टर होने से क्या होगा कि इसमें से पेस्टिसाइड जो हमारे पास होंगी वो काफ़ी हद तक जो है उनकी जो प्रेसिपिटेट है, ये देखें आप सामने नज़र आ सकते हैं, ब्लू कलर के पेस्टिसाइड इसमें मौजूद हैं। और ये इसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, इसे इनसोल्युबल पार्टिकल भी कहते हैं, और ये वो तमाम रेसिड्यू हैं जो बच चुके हैं, इनको रेसिड्यू भी कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल भी कहते हैं, प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, जो कि फिल्टर पेपर में बच जाते हैं। और इसमें साफ फिल्टर जो गुजर गया उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो गुजर चुका है वो हमारा जो है फिल्ट्रेट भी है, उसको जो गुजर चुका है उसे हम फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा फिल्ट्रेशन का।